हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के डॉक्स। मैं डॉक्टर राणा चंचल। मैं डॉक्टर हिमांशु कुमार। आज हम जानेंगे 10 ऐसे मुख्य कारणों के बारे में जिनकी वजह से बच्चे रोते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बच्चों को एक ही लैंग्वेज आती है रोने की। वो किसी भी तरीके से परेशान है तो वो आपको सिर्फ रो के बता सकते हैं। तो आज इन 10 कारणों से हम यंग पेरेंट्स की हेल्प करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो बच्चे का रोना डिकोड कर सके और पहचान सके कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है और बच्चा फिर उससे खुश हो जाए और पेरेंट्स भी खुश रहें। पहला कारण होता है कि भूख लगने की वजह से बच्चे रोते हैं। तो कैसे जाने, अगर बच्चे को फीड कराए हुए काफ़ी समय हो गया है और बच्चा मुंह चलाने लगता है, कई बार लिप स्मैकिंग करता है, उसके बाद बच्चा क्रैंकी होकर रोने लगता है, तो इसका मतलब बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। उसमें हम फीड कराएंगे तो बच्चा शांत हो जाएगा। दूसरी वजह जो होती है, उसकी वजह जो राज छुपा है वो बच्चों के डाइपर में छिपा रहता है। तो बच्चों का डाइपर जब बच्चे बहुत ज़्यादा रोएं तो ज़रूर चेक कर लें, या तो उसमें पॉटी होगी या सूसू होगी, जिसकी वजह से बच्चे को गीलापन और अनकंफर्टेबल महसूस होता है। तो वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनके डाइपर चेंज होने करने का समय आ गया है। तीसरा कारण हो सकता है कि कई बार बच्चों को डाइपर पहना रखा है, हम लोगों ने टाइमली उसको चेंज नहीं किया, गीलेपन की वजह से वहाँ पर रैशेज हो जाते हैं। बच्चों के जो पेरिनियल एरिया होता है वहाँ की स्किन लाल होने लगती है, वहाँ दाने हो जाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं भी दे पाते हैं। तो डायपर रैश एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे रो रहे हैं, क्योंकि उसमें बच्चों को इरिटेशन होता है, इचिंग होती है, पेन होता है। हाँ, इसका दूसरा ये तरीका हो सकता है कि जनरली हम लोग बच्चों को घर में एडवाइस करते हैं कि कॉटन का कपड़ा या सूती कपड़े पे आप रखें, डायपर पहनाने की हर वक्त जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल। अगला जो चौथा पॉइंट है वो है बच्चों का टेम्परेचर या अनकंफर्टेबल क्लोदिंग। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चे को ठंड ना लग जाए, इसलिए हम लोग बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं, टाइट हो जाते हैं और बच्चा बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। सर्दियों में तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पेरेंट्स कई बार सर्दियों से जब गर्मियाँ आना शुरू जाती हैं तो यही प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते हैं और बच्चा बताने की कोशिश करता है कि मेरे कपड़े हटाओ। कई बार क्लिनिक्स में जैसे हम एग्जामिन करने के लिए बच्चे को कपड़े उतारते हैं और बच्चा एकदम शांत, पसीने में तरबतर होता है। कई बार हम गर्मियों में बच्चे को ब्लैंकेट या कोई भी वोलन क्लोथ अगर पहनाएंगे तो उससे बच्चों को दाने वगैरह होने का भी खतरा रहता है। तो इन बातों का ध्यान रखो। तो ये था चौथा पॉइंट, जो कि है बच्चे की अनकंफर्टेबल क्लोथिंग। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, कई बार हम फीड कराने के बाद बच्चों को बर्पिंग जो कराते हैं, डकार दिलाते हैं, अगर हमने इनएडिक्वेटली कराया है। अक्सर हम लोग सलाह देते हैं कि डकार दिलाना है कम से कम 15 से 20 मिनट तक कंधे से लगा के बच्चों को थपथपी करानी है, जब बच्चा डकार ले ले उसके बाद बच्चों को लेटाना है। लेकिन अगर हमने वो पूरी तरह से नहीं कराया तो उसकी वजह से पहले क्या होता है, एक तो इनएडिक्वेट बर्पिंग की वजह से जो दूध बच्चे ने पिया है वो वापस आता है, रिगर्जिटेशन होती है, एसिडिक फ्लूइड्स भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को पेन होता है। बच्चे जैसे हम बड़ों में हार्ट बर्न की एक कंप्लेन करते हैं जिसमें चेस्ट पेन होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है, तो वही बच्चों में भी हार्ट बर्न होता है जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं, डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। अब इसी से हम लोग आते हैं अपने छठे पॉइंट पे कि अगर इनएडिक्वेट बर्पिंग की है तो जब बच्चा फीड करता है तो कई बार वो एयर भी सॉलो करता है, जब वो एयर सॉलो करता है हमने बर्पिंग नहीं कराई है तो वो जो गैस होती है बच्चों में कॉली की पेन अक्सर करा सकती है, जो कि बच्चों को हम बोलते हैं कि पेट में मरोड़ उठ रही है इसलिए बच्चे रो रहे हैं। तो यहाँ पे बर्पिंग कराना बहुत ज़रूरी है। तो कोलिक पेन्स को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि बच्चे कुछ साइंस देता है, जैसे कि बच्चे का मुंह लाल हो जाता है प्रेशर में, बहुत ऐठन करता है, कराने की आवाज़ आ रही है, ऐसा लगता है कि बच्चा गैस पास करने की कोशिश कर रहा है, जोर लगाता है, है ना, अपनी तरफ से एफर्ट्स देता है, पेट टाइट हो जाता है। तो ये पेरेंट्स बहुत ईजिली पहचान पाते हैं कि कोलिक पेन कैसे होता है और उसको फिर एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल। तो सातवां पॉइंट जो होता है वो होता है कि बच्चे को कोई मॉस्किटो बाइट या इंसेक्ट बाइट हो जाए, जैसे बच्चे खेलते रहते हैं तो अगर उनको किसी मच्छर ने काट दिया या किसी चींटी ने काट दिया तो उसकी वजह से भी वो रोते हैं, तो एक बार चेक कर लें। रेनी सीजन है आजकल, मच्छर काफी हैं, कीट पतंगे काफी उड़ रहे हैं, तो बच्चों को काट लेते हैं, वो बता नहीं पाएंगे। ये भी एक बहुत कॉमन वजह होती है, देख लें कहीं कोई बच्चे को रैशेज ना हो। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है हमारा, जो आठवां पॉइंट है, इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी भी मैंने पढ़ी थी, उसमें ये था कि जब बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पे यूट्रस में गर्भ में होता है तो वो एक फ्लूइड के बीच में होता है, तैरता रहता है, माँ दिन भर काम करती है, बच्चा उसमें फ्लोट करता है और बच्चा उसमें काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है। जन्म के साथ बाद जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो उसको वो एक जो कुशन होता है या वो एक झूला जो होता है उसको मिल नहीं पाता। अच्छा, तभी जब बच्चों को हम लोग रात में रोते हैं और झूला झुलाते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। और आपने देखा इंडियन ट्रेडिशन में पुराना जो होता था ना कि बच्चों को पालने में हम लोग झुला रहे हैं, या कपड़ा कई बार पलंग से बांध के उसको बच्चे को झुलाते थे, वो चुप हो जाता है, या बच्चा रो रहा है हमने जहाँ उसको गोद में लेके थपथपी दी बच्चा चुप हो गया, तो ये उसी से जुड़ा हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसी से अगला पॉइंट जो हमारा नौवां पॉइंट होता है वो होता है कि बच्चे को लोनली लगता है। बच्चे जो होते हैं बहुत ही इंटेलिजेंट क्रीचर्स होते हैं कह लीजिए,
और बहुत डेवलपिंग ब्रेन होता है, वो बहुत चीज़ों को कैच करते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि हम दिन में हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी, जो कि हर कोई बच्चे को गोद में खिलाता रहता है, लेकिन रात में बच्चे को पता नहीं कि रात हो चुकी है, तो वो उसी कंपनी को ढूंढता है ताकि वो खेल सके, और इसी वजह से वो रो के अपने इस लोनलीनेस को जाहिर करता है पेरेंट्स के लिए कि आओ मुझे गोद उठाओ और खिलाओ। इसके बाद जो हमारा आखिरी पॉइंट है, जो 10वां पॉइंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा इरिटेबल हो गया है, बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, साथ में उसको अगर फीवर भी लग रहा है, बॉडी गर्म लग रही है, तो हो सकता है बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो, कोई अंदर इंटरनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बच्चा बता नहीं पा रहा है लेकिन ये साइंस बच्चा दे रहा है। उस कंडीशन में ज़्यादा वेट ना करें और तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को जाके संपर्क करें, बच्चे को दिखाएं। तो ये थे 10 पॉइंट जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं, और शुरू के जो 9 पॉइंट्स थे वो इजीली आप अपने घर पे ही समझ सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं जिससे बच्चा शांत हो जाए। बट जो 10वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो डेंजर साइंस होते हैं उनको आपको जल्दी पहचानना होता है ताकि हम बच्चे को बेस्ट मेडिकल केयर और पीडियाट्रिशियन को दिखा के उसको जो भी इलाज हो वो शुरू कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली आने वाली वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो। टेक केयर, गुड बाय।